आज हम लेकर दिखाने की बड़ी खबरें हैं। जंगल की आग से चार की मौत, सीएम धामी सख्त। कुमाऊं के तीन अफसरों पर गिरी गाज, दो सस्पेंड, एक को किया अटैच। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग की चपेट में आकर चार वन कर्मियों की मौत के मामले में सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाया है। कुमाऊं के तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है। चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीसीएफ कुमाऊं को अटैच किया गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब विभाग इन पर कार्रवाई करने जा रहा है। डोईवाला में सीएम धामी ने किया सिंचाई हेड का लोकार्पण, जल उत्सव कार्यक्रम में भी की शिरकत। मुख्यमंत्री धामी आज डोईवाला में रहे, यहां सीएम धामी ने जल उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने जंगलों की में लग रही आग पर गंभीर चिंता जाहिर की, साथ ही उन्होंने लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। रुड़की में एक घर में लगी भीषण आग, अंदर फंसी दो महिलाओं को पुलिस ने बचाया। तो रुड़की में एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। वहीं घर के अंदर फंसे दो महिलाओं को चीता पुलिस के जवानों ने सकुशल रेस्क्यू किया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया। काट बंगला ग्राउंड रिपोर्ट, धूप की तपिश के बीच सूखे हलक को तर करने की जद्दोजहद। प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है, कहीं लोगों के पेयजल समस्या से भी हलक सूख रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो कई सवाल खड़ी कर रही हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, जिलाध्यक्ष ने दिया जीत का मंत्र। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने दोनों ही जगहों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इसके बाद आज बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। देवभूमि में दादा की घिनौनी हरकत, मानसिक रूप से दिव्यांग पोती से किया रेप, पोते की शिकायत पर आरोपी अरेस्ट। उत्तराखंड में रुड़की के पास पिरान कलियर थाना क्षेत्र में दादा की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां दादा ने रिश्ते में पोती को ही हवस का शिकार बनाया है, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जंगल की आग में जिंदा जले चार वन कर्मियों की मौत पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख, उत्तराखंड सरकार से की अपील। उत्तराखंड में गुरुवार 13 जून को बड़ा हादसा हो गया। यहां जंगल की आग बुझाते समय चार वन कर्मी वनाग्नि की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में चार वन कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना पर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पोस्ट पर दुख व्यक्त किया और सरकार से अपील की है। रक्त महादान को आगे बढ़ा रही टीम वॉरियर्स उत्तराखंड, 9000 लोगों को उपलब्ध करा चुकी है ब्लड। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। इसके दान करने से लोगों की जान बच सकती है, इसलिए सरकार और तमाम संगठन आगे आकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। वहीं इसी के इतर रक्तदान व्यापार का भी एक बड़ा जरिया बन गया है। साथ ही लोगों से रक्तदान करवा कर महंगे दामों पर ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा है। करण महारा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल, बताया अपने ही लोगों से खतरा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे प्रदेश में सियासत तेज बढ़ सकती है। करण महारा ने कहा कि पार्टी के अंदर स्लीपर सेल हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी की बैठक में बेरोजगार संघ सचिव का हंगामा, MDDA अफसरों पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका परिषद की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव ने MDDA के अफसरों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप जड़ दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त को बैठक सभागार से बाहर किया। कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, कैची धाम मेला ड्यूटी पर जा रहे दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। अल्मोड़ा से स्कूटी से कैची धाम ड्यूटी पर जा रहे दो पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दो स्कूटी सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे जवान, ताकि आप ना हो परेशान, संभाल रहे हैं व्यवस्थाएं। तो भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान होमगार्ड सड़कों पर डटे हैं। ये लोग चिलचिलाती धूप में भी ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल कर रहे हैं। केदारनाथ में रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स पर कार्रवाई, वसूला गया हजारों का जुर्माना।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धामों की ओर रुख करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यात्रा मार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर परिसर में रील्स बनाने वाले 270 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रियंका गांधी का ट्वीट, जंगल की आग में जलने से 4 वन कर्मियों की मौत पर जताया दुख, राज्य सरकार से की अपील। दर्शन कर लौट रहे महिला तीर्थयात्री की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा से लौटते हुए शुक्रवार सुबह एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। मृतक महिला तीर्थयात्री के शव का पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा भरवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सीएम ने किया जौलीग्रांड कालू वाला सिंचाई नहर हैंडपंप का शुभारंभ, कालू सिद्ध मंदिर में विशेष पूजा की।